बोलिए तुम्हारा पति कहाँ गया ना। वो बाहर गए, बोलिए ना जी। है? कई दिनों से मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। हाँ वो बाहर गए इसलिए बिजी हो गए, बताइए। हाँ तो किराया कब दोगे? 3 महीने का किराया बाकी है। वो क्या है भाई साहब कि बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा ना, इसलिए अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? अगले महीने पक्का दे देंगे। अगले महीने बोल के 3 महीने हो गए हैं, ये चौथा महीना चल रहा है। अब हम अंदर जाके बात करें, बाहर बदनामी होगी, सब सुन रहे हैं। अंदर आके बात करिए ना प्लीज। अंदर आइए, बैठिए, मैं पानी चलिए पिलाती हूँ। हाँ आइए जी, लीजिए पानी। देखिए मैडम, अगर हाँ जी, आप किराया नहीं दे पा रहे तो मकान खाली कर दीजिए, मुझे और कई किराएदार मिल जाएंगे। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, हम दे देंगे अगले महीने, मैंने बोला ना। अरे कहाँ से देंगे? पिछले 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया है, कहाँ से देंगे किराया? जैसे ही उनकी सैलरी आती है हम दे देंगे आपको, पक्का। देखिए मैडम, अगर इस बार किराया नहीं दे पाई तो नहीं मैं बोल रही हूँ हम दे पाएंगे, हम दे देंगे आपको अगले महीने। कहाँ से किराया दोगे? 3 महीने का किराया आपने दिया नहीं है, और ऊपर से अभी आप बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड का काम अच्छा नहीं चल रहा है, कहाँ से किराया दोगे? लेकिन एक महीने में उनका कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, कोई अच्छा हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे अगले महीने, पक्का। और अगर नहीं दे पाई तो नहीं दे पाए तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, क्या कहा आपने? क्या कहा, फिर से बोलिए। जो आप बोलोगे। जो मैं चाहूं वो करेंगे आप? हाँ जो आप बोलो वो मैं करूंगी, अगर किराया नहीं दिया तो। ठीक है चलो। पर हाँ, आप अपनी ये बात याद रखना। हाँ मुझे याद ही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मैं बाद में आऊं। हाँ ठीक है, और जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए आप जो मुझे इस तरह से घूरते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैडम। जो घूर के देखने की चीज है ना, उसे घूर कर ही देखना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आप दूर रहिए। लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पति को पता चलेगा ना तो आपकी खैर नहीं, समझे आप। अरे तुम्हारा पति तो नामर्द है, किराए देने की बात आती है ना तो बीबी के पल्लू में छुप जाता है। आप ऐसा गलत नहीं बोल सकते मेरे पति के बारे में, वो बहुत अच्छे हैं। क्या वो तुम्हें संतुष्ट कर पाता है? अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। जी नहीं, मैंने अभी अपनी हद पार की ही नहीं, मगर जब भी किराया लेने आऊंगा ना तो सारी हदें पार करूंगा, याद रखना मेरी बात। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, और ये खाली कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको चेतावनी देके जा रहा हूं। गुड बाय। साला गए ऑफिस से? अरे अरे आप आ गए ऑफिस से जी? आप, मुझे लगा मेरा पति है, आप अंदर कैसे आए? शायद तुम भूल गए कि मेरे पास भी दूसरी चाबी है। हाँ वो बात सही है, आपके पास है चाबी, और आपको कैसे आना हुआ? आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ आप बैठिए। ठीक है। वैसे कई दिनों से मैं प्यासा हूं, प्यास तो मुझे भी लगी है। जी लीजिए पानी। और मेरे किराए का क्या हुआ? किराया तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। देखिए मैडम, 3 महीनों से आपने किराया नहीं दिया है, और अगर किराया नहीं भर सकते तो मकान खाली कर दीजिए। हम दे देंगे आपको किराया, आप बात बात में खाली करने का क्यों बोलते हैं? दे देंगे। कहां से देंगे मैडम?
3 महीना हो गए, चौथा मन रहा चल रहा है, कहां से किराए देंगे? कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप खाली मकान करने को मत बोलिए। देखिए मैडम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप पति आए ना आपका, तो उसे बोलिए कि मकान मालिक आया था और बोल रहा था कि कल ताला लगा के चला जाएगा। आप ऐसी बातें मत करिए, मैं अकेली हूँ इस गांव में, मैं किसी को नहीं पहचानती, मेरे पति भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ तो एक काम कर सकती है, आप अकेली है, उस बार आया था याद है, मैंने एक आपको शर्त बताई थी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बस घर खाली मत करवाइए। ठीक है तो आइए बैठिए इधर। जी और जी बताइए मुझे क्या करना होगा, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है, अगर आप किराए से बचना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है। जी आपकी क्या शर्त है, मुझे मंजूर है। देखो, तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हारा 1 महीने का किराया माफ कर दूंगा। जी खुश करना क्या मतलब? अरे इतनी भी भोली नहीं हो कि मेरे सवाल का मतलब नहीं जानती? जी मैं कुछ नहीं समझती, क्या खुश करना मतलब? मुझे आपको खुश करना है, आपके लिए मैं कोई खाना बनाऊं आपके मनपसंद का? बताइए मैं क्या खाना बनाऊं, आप खुश हो जाएंगे खाने के बाद? क्या बनाना है? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो। हाँ बोलिए, दूंगी। इंसान को जब भूख लगती है तो क्या करता है? तब वो खाना खाता है। और उसे जब प्यास लगती है तो क्या करता है? तब वो पानी पीता है। और इंसान को शरीर की भूख हो तो वो क्या करता है? जी क्या मतलब आपका? मेरा मतलब क्या है वो तुम बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई हो। मतलब? मतलब? अब इसका मतलब मत पूछो, और तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो, ना समझने का ढोंग कर रही हो। मगर मेरे पति को पता चल गया तो? अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो तुम्हें देखने का है। लेकिन कुछ हो गया तो आप समझो ना। चलो लगता है तुम्हें डील मंजूर नहीं है, चलो। रुकिए, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप बैठिए तो सही। मेरी एक और शर्त है। जी आपकी अब और क्या शर्त है? यही कि तुम मजबूरी से नहीं, पर जिस तरह से तुम अपने पति को खुश करती हो ना, उसी तरह से, उसी फीलिंग से मुझे भी खुश करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है। हाँ बोलिए। अगर मैं आपको पति की तरह खुश करूंगी तो आप 1 नहीं 3 महीने का किराया माफ करना पड़ेगा। यह तो बहुत घाटे का सौदा है। क्यों? मुझे ये डील मंजूर नहीं है। एक बार खुश करो तो 1 महीने का किराया माफ, पर 2 बार करो तो 2 महीने का किराया माफ, और 3 बार करो तो 3 महीने का किराया माफ माफ माफ। मगर किसी को पता चल गया तो? पता चल गया तो वो देखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। बोलो अगर मंजूर है तो आगे बढ़ते, वरना यहां से जाता हूं मैं। नहीं, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सोफे पे नहीं करेंगे, अंदर बेड पे चलो, वहां मैं तुम्हें अच्छे से खुश कर पाऊंगी पति की तरह। ठीक है मैडम, अब खुश आपको करना है, जैसा आप चाहो। और हाँ, बदले में किराया भी माफ करना पड़ेगा, समझे? जी हाँ समझ गया। तो फिर चलो। चलिए मैडम, आज तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा।
मकान मालिक शुरू हो जाऊं, ये भी आपका ही मकान है समझो। आ जाओ। गड़ हो गया। चलो फिर ठीक है, अब मेरे पति को फोन करके परेशान मत करना। हाँ ठीक है, कर दिया मैंने अपना काम। पर तुम्हें तो परेशान करता रहूंगा। क्यों, अब क्यों? आज के दिन का थैंक यू कहने के लिए। अच्छा तो फिर तुमने मेरा नंबर सेव कर ही लिया होगा ना? मैंने तो कर ही लिया है, तुमने भी तो सेव कर ही लिया होगा। हाँ ठीक है, चलो फिर अगले महीने मिलते हैं। बाय बाय बाय।